जेल में छोरी शॉपिंग कर का टैक्स पाते जा रहा कार ली हाथ में फ्रेंडी पैर में टसन देखने। इस गाड़ी में आप देख सकते हैं हेडलाइट ही पूरी कस्टमाइज है, लोग इसमें आपको फोन में इंस्टॉल कर सकते हो उसको, और इसी से आप इसको सेट कर सकते हो उसके कलर्स, जिस भी आप कलर पे सेट करोगे, व्हाइट है तो व्हाइट, रेड है तो रेड, सारे कलर हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी एक और खासियत है कि इसकी आप ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ही मैं इसकी ब्राइटनेस लो करता हूँ ना तो यहाँ पर। अब मैंने तो सपना देखा था, मैं नहीं जानता था कि जब सपना देखा था कि वो सपने से भी बेहतर कर देंगे, वो इन्होंने मतलब सपने को रियलिटी से भी ऊपर कर दिया है। और किसी को भी ये देखो भाई, इस समय देखो आप, और भी कलर्स हैं क्या इसमें? इसमें हेडलाइट में एलईडी आ रही है ना भाई? नहीं, इसके अंदर इनबिल्ट प्रोजेक्टर है। इनबिल्ट है ये प्रोजेक्टर? बिल्कुल। कितने वाट में? 3 लेंस में 200 वाट के साथ। 200 वाट में तीन लेंस है इस प्रोजेक्टर में? 3 लेंस है, ये 2 लेंस चल रहा है। अब ये 3 लेंस चल रहा है, ये देखो। ठीक है, साइड में का चेंज करा है इसमें? 17 इंच अलॉय व्हील स्नैक वाला अपना रहा है, जेके का टायर डाला है ब्रांड न्यू, अब स्नैक वाला अलॉय इंस्टॉल किया है अपना रहने वाला है भाई। टेल लाइट देख लो भाई, वर्किंग हो चुकी है इसकी, ये डमी पीस आता है इसमें, टॉप मॉडल में भी शायद नहीं आती वर्किंग, टॉप मॉडल में भी नहीं आता। ठीक है, ये आफ्टर मार्केट पार्ट है इसका। जो अपना जो पेंट हुआ है ये भी हाइड्रोडिपिन जो लेदर टच स्टेप पेंट हुआ है। ठीक है, जो अपना मैट ब्लैक आता है ये हमने मार्बल रहने वाला है जो व्हाइट कलर में रहने वाला है, कि लाइटी कलर चाहिए था भैया को, डार्क नहीं चाहिए था, आप ऐसे करवा सकते हो। और सॉफ्ट टच भी हमने करके दिया प्रॉपर कुशनिंग के साथ। स्टीयरिंग में क्या चेंज करा है? ये कैसे पूरा मार्बल फिनिश दे दिए इसमें पूरी, देख लो। ये प्रॉपर मार्बल हमने इसके अंदर दिए, जो अपना रहना डैशबोर्ड हो गई, सेंटर स्पीकर का हो गया, डैशबोर्ड का गियर का हो गया, मतलब इसके अंदर जितने भी काम हुआ है ना बारीकी से काम हुआ है। अच्छी रहती है बाकी। और अगर बात कर लेते हैं भैया आपसे, आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग रहेगी आउट सेटिस्फेक्शन को काम? देखो, सेटिस्फेक्शन को रेटिंग देने वाला तो एक काम ही नहीं है ना, मतलब नंबर देने वाले काम करने तो बात ही नहीं है, तो नंबर से बहुत ऊपर चीज है ये। आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें क्रूज तक वर्किंग कर दिया, ऊपर आपको मीटर में दिख रहा होगा भाई, यहाँ पर लिमिट जो है 30 पर सेट करी हुई है। सीट कवर भी देख सकते हो भाई, सीट कवर कुछ ऐसा, सीट कवर की फिटिंग एंड फिनिशिंग आपके सामने है, आगे से लेके पीछे तक दिखा सकते हैं ऑडियंस को। लो ये पूरा आप देख रहे हैं इसका, इवन आमरेस भी देख लो भाई, आमरेस देखो भाई कितना बढ़िया तरीके से है। स्टीरियो कौन सा है? थोड़ा अलग ही लग रहा है मेरे को। ये डायमंड 2 के रहने वाला, 4GB रैम, 64 इंटरनल, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले, ऑप्टा कोर है, कोर कोड नहीं है इसके अंदर। अब ये तो पूरी रोबोट बन चुकी है कैरेंस यार, इसमें सब जितने टेक्निकल फीचर्स आ सकते थे सब कुछ आ गया इसमें। ये देख लो, ये बैक कैमरा आपको दिख रहा है अभी समय पर, साइड का व्यू ठीक है, दोनों साइड अपना रहना ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? आप देख रहे हो आज का शो, और आप जो मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हो अभी, ये रहने वाली है किया कैरेंस। भाई गाड़ी की लुक देखो कितनी खतरनाक लग रही है भाई, एकदम आपको ना पूरी डिटेल में आज की वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे अपनी गाड़ी फुल मॉन्स्टर लुक बना सकते हो। किया कैरेंस पे स्पेशल वीडियो रहने वाली है, और ये चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगा वीडियो में, हो सकता है आपने नहीं देखी हो। एक बार सीधा गाड़ी देखो आप भाई, ये देखो भाई कितनी मॉन्स्टर लुक निकल कर आ रही है भाई किया कैरेंस की। इसके DRL देखो भाई यार कितनी खतरनाक लग रही है, जो आपने सुनी होगी कहीं पर एक्टिव DRL का फीचर है वही चीज़ है भाई इसमें। ये देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त लुक निकल रही है इसकी, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जितने कलर आप इसमें देख रहे हो सारे कलर इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। गाड़ी जो अभी पूरी खुली हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें ना अलॉय व्हील आते हैं, ना इसमें ऑटो फोल्ड मिरर आते हैं, मिरर्स भी लगाए हैं इसमें, ट्विटर से जो है हम इसमें लगाएंगे भाई। गाड़ी जो है अभी देख लो भाई पूरी खुली हुई है, और साथ ही में आपको इस गाड़ी में डैम्पिंग देखने को मिलेगी विब्रोमैट की। यहाँ पर स्टेयरिंग में भी इसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं, पूरा इंटीरियर जो है गाड़ी का बना रहे हैं, और ऊपर देखो भाई खतरनाक जो है आपको यहाँ पर स्टार लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। पूरी रूफ जो है वेलवेट ब्लैक में करी हुई है, और इसमें आपको पैटर्न मिलता है, दिन में आपको दिखाऊंगा कैसा। फ्लोरिंग करवा सकते हो गाड़ी में, डायमंड 2 के लग रहा है भाई गाड़ी में, ऐसी चीज आपने हो सकता है नहीं देखी हो कभी, इतना बुरा हाल गाड़ी का। लेकिन जब ये बनेगी तो आपको लुक पूरा खतरनाक वाला चेक करवाऊंगा। यहाँ पर इसमें देख लो म्यूजिक सिस्टम में भी रॉकफोर्ड का सब ऊपर हम लगा रहे हैं गाड़ी में, और पीछे से भी गाड़ी आप देख सकते हो पूरी खुली हुई है, इवन इसकी टेल लाइट भी जो है अभी अपने पास नहीं है, और इसमें हम फिटिंग कैसे करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा, तब बहुत मजा आने वाला है। अभी जो इसका रियर गार्ड है वो भी यहीं पर पड़ा है, और गाड़ी का बम्पर देखो भाई कैसे पड़ा है, इसमें रिफ्लेक्टर की फिटिंग हो चुकी है, ऐसे कुछ पैटर्न के रिफ्लेक्टर लगाए हैं भाई इस गाड़ी में, और ये देख लो भाई पूरा बम्पर खुला हुआ पड़ा है, बिना बम्पर के किया करें कुछ ऐसी लगेगी आपको। और ये देखो अभी इसमें आपको रेनबो फीचर देखने को मिल जाएगा, ये सारे मोड्स आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हो DRL में, इवन इसकी स्टार लाइट जो हमने लगाई है इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो। गाड़ी में जो फुली साउंड सिस्टम का भी काम आपको दिखाने वाला हूँ, अभी देखो कैसी फीलिंग आ रही है भाई इसको देखकर। फिटिंग होने के बाद पूरी लग्जरी लुक जो है निकल कर आने वाली है। गाड़ी का जो हाल अभी आप देख रहे हो ना ये पूरा जो है मैं चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ भाई। ये देख भाई आज नेक्स्ट डे आ चुका है, और गाड़ी अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो मैं भाई गाड़ी जो है फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऐसा काम हुआ होगा, मतलब हो सकता है आपने पहले देखा हो लेकिन इतनी एक्सक्लूसिव मॉडिफिकेशन आपने किया कैरेंस की नहीं देखी होगी। जो इंटीरियर है, जो इसका एक्सटीरियर है फुली जो है कस्टमाइज है,
और गाड़ी कहीं से भी आपको स्टॉक पता नहीं लग रही होगी इस समय, चाहे आप ऊपर से रूफ देख लो इसकी या फिर नीचे से इसके अलॉय व्हील्स या टायर्स देख लो भाई, कहीं से भी ये गाड़ी स्टॉक नहीं बची इस समय। और मॉडिफिकेशन ऐसी करिए कि भाई आपको कुछ अलग दिखने वाला है इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं वीडियो। फ्रंट में बात करेंगे तो फ्रंट में इस गाड़ी में आप देख सकते हैं हेडलाइट ही पूरी कस्टमाइज है। लोगों को आपने देखा होगा DRL लगाते हुए, इसमें कंपनी की भी DRL लगाते हुए देखा होगा और पतीसे वाली भी देखी होगी, लेकिन ये DRL ही कुछ डिफरेंट है। इसमें देख सकते हो कितने कलर आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएंगे। और ये पूरा जो है ना ऐप कंट्रोल लाइट रहने वाली है। अपने साथ संजीत भाई हैं जो एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरी मॉडिफिकेशन डिटेल में। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। इस DRL में क्या खोला है इसको पूरा हेडलाइट को? ये अपने RGB इंस्टॉल करके जो अपना रहने वाला है DRL रहने वाला है, इसके अंदर 3-4 तरीके का आता है, टुकड़ी वाली आता है, ओरिजिनल आता है। ये नया रहने वाला 8GB, इसके अंदर सारी मैट्रिक्स कलर है, सारे कलर इसके अंदर मौजूद है। जो आपको रेड चाहिए रेड, ब्लू चाहिए ब्लू, वाइट चाहिए वाइट, सारे कलर कर सकते हो। और इसके साथ अंदर DRL भी जो अपना 8GB वो भी लगा है इसके अंदर। तो भाई कंट्रोल कैसे होता है ये आपको दिखाते हैं। ऐप से रह रहा है, ये एप्लीकेशन है, इसमें आपको फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो इसको, और इसी से आप इसको सेट कर सकते हो उसके कलर्स, जिस भी आप कलर पर सेट करोगे। वाइट है तो वाइट, रेड है तो रेड, सारे कलर हो जाएंगे यहाँ पे। इसकी एक और खासियत है कि इसकी आप ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं इसकी ब्राइटनेस लो करता हूँ ना, तो यहाँ पर देख लो इसकी ब्राइटनेस भी लो हो जाती है। और अगर यदि आप दिन में ड्राइव करते हो तो दिन में आपको इसको फुल भी करने का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर किसी को ये भाई नहीं पसंद आता, देखो हर किसी की अपनी चॉइस रहती है, तो आप इसको सिंपली वाइट भी रख सकते हो। जैसे अभी है ये, इसको आप फुली वाइट में रखते हो, जो ओरिजिनल कंपनी की DRL आती है वो वाला मोड भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ ये नहीं, इसमें RGB में सारे मोड्स आते हैं, ऐसे कि आपको यहाँ पर देख लो, ये देख लो मल्टी कलर वाला मोड देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि ये रनिंग लाइट रहने वाली है। बिल्कुल। इसको ऊपर बोले को एक्टिव DRL बोलते हैं भाई, काफी आपने सुना होगा नाम। और नीचे वाले को प्रोजेक्टर बोलते हैं, प्रोजेक्टर में भी इसमें रिंग वाला है, रिंग वाला है, और 3 लेंस वाला अपना प्रोजेक्टर भी इसके अंदर इंस्टॉल करें। काफी ब्राइटनेस रोशनी है, आपको रोशनी का रिस्पॉन्स भी दिखाऊंगा कैसा रोशनी रहने वाला है। सबसे बड़ी बात तो भाई ये है कि ऐसे काम में समय कितना लग जाता है भाई? ये 2 दिन के लिए चाहिए गाड़ी। 2 दिन के लिए चाहिए ना? बिल्कुल, ऐसा काम ऐसा फिनिशिंग के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। और इसमें अंदर बात करते हैं, देखो ये बात तो सारी शो वाली हो गई, अब इसमें हेडलाइट की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके अंदर LED, जो LED आता है वो तो नॉर्मली रोशनी रहता है, प्रोजेक्टर से ही रोशनी बढ़ता है, फोकस दूर तक जाता है। तो भाई जला के दिखा दो इसमें प्रोजेक्टर भी, या हेडलाइट में लगा लो, हेडलाइट में प्रॉपर आपको रोशनी थ्रो अच्छा मिल जाएगा। तो भाई अभी आप यहाँ पर देखो, इसमें हेडलाइट में LED आ रही है ना भाई? नहीं, इसके अंदर इनबिल्ट प्रोजेक्टर है। इनबिल्ट है ये प्रोजेक्टर? बिल्कुल। कितने वाट में? 3 लेंस में 200 वाट के साथ, 200 वाट में। 3 लेंस है इस प्रोजेक्टर में? 3 लेंस। डिपर भी इसमें आएगा अलग से? वो डिपर भी देखो, ये 3 लेंस है, ये 2 लेंस अच्छा, चल रहा है। हुँ। अब ये 3 लेंस चल रहा है, ये देखो। ठीक है, ये 3 लेंस है, पहले अब 2 लेंस है और ये 3 लेंस है। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो सामने इतना कुछ रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, रोड पे भी काफी अच्छा थ्रो रहेगा अगर आप प्रोजेक्टर लगाते हैं। बाकी फॉगलाइट में भी देख लो, इसमें फॉगलाइट भी लगाया, जो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल टाइप लुक है जो अपना, ओरिजिनल तो काफी महंगे है, तो ये थोड़ा सस्ते में अच्छा लुक मिल जाएगा। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। ये कॉपी है? ये कॉपी है। ठीक है, ओरिजिनल भी आता है इसमें? ओरिजिनल भी मिल जाएगा, प्रोजेक्टर लगाना तो प्रोजेक्टर भी मिल जाएगा। ओरिजिनल फॉगलाइट की क्या कीमत रहती है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये, थोड़ी महंगी पड़ती है वो। MRP 22,000-25,000 रुपये, उससे बहुत सस्ता डिस्काउंट करके 15,000। ओके ओके ओके, बिल्कुल। बाकी हमने ये सिल्वर पट्टी आता है, ये हमने जो इंटीरियर जैसे ब्लू करी है वैसी ग्लोसी ब्लू हमने करके दी है। ये भी अपना आउटर रहने वाला है चारों साइड का भाई। डिटेल पे फोकस करोगे ना इसमें आप, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ ना भाई ब्लू देखने को मिलेगा। और एक पूरा थीम दिया गया गाड़ी को, जिसमें आपको यहाँ पर देख सकते हो पूरा जो है अलग ही लुक देखने को मिल रहा होगा। ऐसी क्या कैरेंस आपने नहीं देखी होगी, वो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। इसमें 360 भी लगा जो अपना रहने वाला है, फ्रंट बैक दोनों साइड मिरर सारा कैमरा रहने वाला है इसके अंदर। और इसमें अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, किसी को इसकी जगह रेड करवाना है या फिर सिल्वर या फिर ब्लैक कुछ भी कराना है, तो आप उसको भी कलर करवा सकते हो, आपके ऑप्शन है, जैसे आपकी बनवाना वैसे बन जाएगी। साइड में क्या चेंज करा है इसमें? 17 इंच अलॉय व्हील स्नैक वाला अपना रहा है, JK का टायर डाला है ब्रांड न्यू, अब स्नैक वाला अलॉय इंस्टॉल किया अपना रहने वाला है। तो भाई अलॉय व्हील देख लो भाई, ब्रांड आप देख सकते हो कौन सा है भाई इसमें, और साथ ही में डिज़ाइन भी देख लो भाई, काफ़ी कॉमन डिज़ाइन है आज की डेट में ये। इसके भी काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं आपको देखने को मिलेंगे, नियो से भी आप ले सकते हो, काफ़ी मतलब अलग अलग क्वालिटी आपको देखने को मिलती है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी 17 इंच का व्हील रहने वाला है ये, इसके वेंट रहने वाला है, ओरिजिनल अपने लगाए हैं। ठीक है, डोर वाइजर ओरिजिनल लगाया है कैरेंस का। ठीक है, रूफ रेल अपना नट वाला रहने वाला है, गाड़ी हिल जाएगी लेकिन रूफ रेल कहीं नहीं जाएगी। ओके ओके ओके, बिल्कुल। विंडो क्रोम लगाया इसके अंदर इंस्टॉल 6 पीस वाले। ठीक है, हैंडल क्रोम इंस्टॉल हुआ जो अपना रहने वाला गैलियो कंपनी का, साइड बीडिंग इंस्टॉल हुआ है, और ये भी स्ट्रिप हमने रे जो अपना ब्लू वाली शाइनिंग वाली हमने इसके अंदर करके दी है। टॉप मॉडल में सिल्वर आता है, फुटरेस्ट भी है कैरेंस नाम का, कैरेंस का फुटरेस्ट भी ओरिजिनल अपना रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। बाकी यही लुक है, बाकी पीछे से दिखा देते हैं इंटीरियर एक बार नजर मार लो भाई, ये आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। ऐसा इंटीरियर आप भी बनवा सकते हो कैरेंस में। और इससे पहले आपको बैक प्रोफाइल दिखाते हैं गाड़ी की। डिक्की लाइट अपना रहना है, मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर लाइट इंस्टॉल हुआ जो अपना रहने वाला है, और ये भी जो अपना ब्लैक आता है, जो नॉर्मल बेस वेरियंट ले लो या टॉप मॉडल है, सिल्वर आता है, तो आप ये वाला अपना कस्टमाइज से करवा सकते हो। पियानो ब्लैक चाहिए पियानो ब्लैक, ब्लू चाहिए ब्लू, रेड चाहिए रेड, सारे कलर हो सकता है।
टेल लाइट देख लो भाई, वर्किंग हो चुकी है इसकी, ये डमी पीस आता है इसमें। टॉप मॉडल में भी शायद नहीं आती वर्किंग, टॉप मॉडल में भी नहीं आता। ठीक है, ये आफ्टर मार्केट पार्ट है इसका, गार्ड भी इंस्टॉल हुआ अपना रनर। ठीक है ठीक है भाई, इसमें रिफ्लेक्टर भी चेंज हुआ है, इसमें आप देख सकते हो ऐसे कुछ वेलकम फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका ये वाला पार्ट भी इन्होंने ब्लू कर दिया, स्काई ब्लू कलर दिया है बाहर से पूरा थीम, और अंदर से भी एक स्काई ब्लू का टच है जो आपको अभी दिखाने वाला हूँ मैं। लो भाई, इस समय आपको दिखाने वाले इंटीरियर देखोगे गाड़ी का भाई आप चौंक जाओगे, क्योंकि इसके इंटीरियर में ना भाई कुछ ऐसा काम है जो आपने किसी की अकेरेंस में नहीं देखा हो भाई। ये देख लो, ये फर्स्ट टाइम इंडिया ही रहने वाला अपना कैरेंस ये ऐसा इंटीरियर मॉडिफाई। तो भाई ये ऊपर भी देख लो आप, इसकी रूफ तक जो है चेंज करी हुई है भाई, रूफ में भी मॉडिफिकेशन है इसमें। ये देखो स्टार, और ये देखो भाई इस समय देखो आप, और भी कलर्स हैं क्या इसमें? इसके अंदर बहुत सारे कलर अपना रहने वाला है। ये देखो सारे रिमोट कलर है, म्यूजिक कलर है, ब्लू कलर है। तो भाई यहाँ से सेट कर देंगे और ऊपर देख लो, क्या बात देखिए, गजब भाई गजब। ये देखिए धमाके के साथ इंटीरियर हमने बना के दिए भैया को, क्या बात है बिल्कुल। तो इसी के साथ में अगर आपको दिखाते हैं फ्रंट से डिटेल में बताएंगे क्या चेंजेस हैं। जो अपना जो पेंट हुआ है ये भी हाइड्रोटिप जो लेदर टच स्टेप पेंट हुआ है, ठीक है। और ये आटो फोल्डिंग भी हमने लगाया, किया जेन्युइन अपना है, एडजस्टिंग आता है इसके अंदर, तो ये भी हमने किया जेन्युइन आटो फोल्डिंग इंस्टॉल करके दिए भैया को, ठीक है। और ये भी जो अपना मैट ब्लैक आता है ये हाइड्रोटिप कर दिया, जो अपना मार्बल रहने वाला है जो व्हाइट कलर में रहने वाला है। किसी भाई को पियानो में चाहिए, रेड में चाहिए, तो सारे कलर ऑप्शन रहता है। तो गाड़ी का सूट यही लुक आया तो मार्बल ही हमने करके दिया भैया को। और लाइटी कलर चाहिए था भैया को, डार्क नहीं चाहिए था, तो आप ऐसे करवा सकते हो। और सॉफ्ट टच भी हमने करके दिया प्रॉपर कुशनिंग के साथ। और ये भी ब्लैक पोर्शन आता है तो ये भी हमने लेदर टच करके दिया प्रॉपर, मतलब इसका डोर का पूरा कलर ही चेंज कर दिया, कलर ही चेंज हो गया, डुअल थीम में कर दिया डोर पूरा। बेस मॉडल देखो और ये मॉडल देखो, कितना जमीन आसमान का फर्क मिलेगा भाई। इस समय आप टॉप को भी इससे कंपेयर करोगे तब भी आपको इससे डिफरेंट लगेगी। हाँ टॉप भी फेल है इसके, टॉप से भी बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। और इसके अंदर फुल कार डैम्पिंग बोझ अपने रहने वाला है, ये देखो और ये देखो कितने जमीन आसमान का फर्क होता है। डुअल लेयर डैम्पिंग करी है, डुअल लेयर डैम्पिंग, और छत में भी डैम्पिंग हुआ है। अच्छा रूफ तक डैम्प करी है इसकी, रूफ में डैम्पिंग हुई है। फर्क क्या पड़ेगा इससे? जैसे बारिश होगा तो वो आपको वाइब्रेशन नहीं आएगा छत के अंदर, ठीक है। और वाइब्रेशन तो यार वैसे भी नहीं आता बारिश से मेरे हिसाब से, पटपट की आवाज आती है। साउंड क्वालिटी इंक्रीज होगी इससे, साउंड क्वालिटी भी होगी, अब पटपट की आवाज नहीं आएगी, जो बारिश में आते ही आते पटपट। अच्छा पटपट जो नॉइज आती है बाहर से, नॉइज आती है वो नहीं आएगी। ठीक 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 है जी। तो ये गाड़ी आप ही की है? गाड़ी मेरी ही है, बेसिक गाड़ी संजीत की है, बोलिए मेरी तो क्या ही थी, संजीत ने पता नहीं क्या कर दिया इसके अंदर। बेसिकली क्या है कि मैंने तो सपना देखा था है ना, कि भाई ऐसा कुछ करना है गाड़ी में, ये सोच करके आया था, काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था जी। संजीत भाई की, अमन भाई की बहुत सारी वीडियोज़, आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी, उन चीज़ों के अंदर से बारीकियाँ पकड़ने की कोशिश की कि भाई क्या क्या और हो सकता है। और ये मैं सोच के आया था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, और संजीत भाई को बोला यार गाड़ी ये आपकी रही और मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ। अब मैंने तो सपना देखा था, मैं नहीं जानता था कि जब सपना देखा था कि वो सपने से भी बेहतर कर देंगे, वो इन्होंने मतलब सपने को रियलिटी से भी ऊपर कर दिया है। और किसी को भी गाड़ी दिखाता हूँ, टॉप मॉडल तो छोड़िए, और भी कोई गाड़ी देखता है तो इस गाड़ी को देख के बोलता है कि अब मैं तो किया ही लूँगा और ऐसे ही बनाऊँगा। क्या बात है। तो ऐसे कैसे प्लान करते हैं कि कलर्स कैसे चूज़ करते हैं ऐसे अलग अलग से डिफरेंट कलर्स? बेसिकली भैया मैं खुद अब एक रोबोटिक्स कंपनी होंगे हूँ और मैं खुद ही प्रोडक्ट डिज़ाइन करता हूँ, है ना। आई एम माई सेल्फ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, मैं सोल्यूशंस देता हूँ रोबोटिक्स के अंदर, तो वहाँ पर इस तरह के काम हम करते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमस बनाते हैं हम, मैनुअल गाड़ी को ऑटोनॉमस बनाते हैं, तो उसके वजह से सारी स्कीम्स अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा आइडिया था, बट ये नहीं पता था कि कोई ऐसा कर भी पाएगा हमारे लिए, और इन्होंने मतलब मैजिक कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं कि मैनुअल गाड़ी को ऑटोनॉमस बना देते हैं। हाँ जी, तो इसको कब बना रहे हैं? फर्स्ट टाइम करते हैं, जल्दी करेंगे। अब जितना काम इन्होंने किया पॉसिबल है ये? यस यस एक्सेप्ट एब्सोल्युटली पॉसिबल। अब इसमें एडास भी लगाऊंगा, मेरी कंपनी खुद एडास भी बनाती है। ओके ओके, एडवांस ड्राइवर। आज तक तो सुना है टेस्ला में ही आ पाया ये चीज़? नहीं नहीं, मैं खुद प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, हम गाड़ी को ऑटोनॉमस बना सकते हैं। सो गाइस एक थम्स अप बनता है भैया के लिए, बहुत जल्दी आपको इंडियन टेस्ला देखने को मिलने वाली है ना। डेफिनेटली, ठीक है जी। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो, इंटीरियर में दिखाते हैं आपको स्टीयरिंग और डैशबोर्ड में क्या चेंजेस हैं। इंटीरियर का आपसे सामने है जो अपना फुली, इसके अंदर फुली इंटीरियर अपना छत ब्लैक रहने वाला है, इसके अंदर कोई कलर जो अपना रहने वाला है ऑफ वाइट कलर छत में नहीं कर रहा है, प्रॉपर ब्लैक। एक आप देख सनग्लास भी देख सकते हो प्रॉपर ब्लैक हुआ है, ये भी आप देख सकते हो प्रॉपर ब्लैक हुआ है, और स्टार लाइट प्रॉपर लगा है जो अपना रहने वाला है, 1000 पीस के साथ हमने इसके अंदर इंस्टॉल करके दिए भैया को। भाई ये देख रहे हो स्टार लाइट, भाई मजा आ जाएगा रात में, सनरूफ की कमी पूरी हो जाएगी अब इस गाड़ी में, है ना। सनरूफ तो चाहिए नहीं इस गाड़ी में भैया ने बोले। हाँ सनरूफ की कमी जो है पूरी हो जाएगी स्टार लाइट के बाद। स्टीयरिंग में क्या चेंज करा, ये कैसे पूरा मार्बल फिनिश दे दिए इसमें पूरी, देख लो ये प्रॉपर मार्बल हमने इसके अंदर दिए, जो अपना रहने वाला डैशबोर्ड हो गई, सेंटर स्पीकर का हो गया, डैशबोर्ड का गियर का हो गया, मतलब इसके अंदर जितने भी काम हुआ है ना बारीकी से काम हुआ है, ठीक है ठीक है। कोई चीज ऐसा नहीं छोड़ा गया जो अधूरा रह गया।
भाई एक चीज मैं नोट कर रहा था, जहां पर ये मैट है ना, मैट तक देख लो स्काई ब्लू कलर में जो कर दिए हैं, और इसमें भी भाई आपको 70 क्वालिटी के मैट हैं, ये भी कस्टमाइज बनवा सकते हो आप लोग। ये कस्टमाइज हमने बना के दे दिया, ये हम दो दिन में तैयार करके दिए प्रॉपर। इसमें आप ये वाला जो पार्ट देखोगे, इसको भी आप एक मार्बल फिनिश दे सकते हैं भाई, बेहतर थोड़ा और लुक के लिए। बाकी इसमें आप जो देख रहे हो पूरा डैशबोर्ड, आपने टेक्नो पियानो जरूर देख लिया होगा, पियानो ब्लैक जरूर देख लिया होगा, लेकिन ये मार्बल फिनिश है, और इसमें भी आप अलग अलग पैटर्न अलग अलग चीजें करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें क्रूज तक वर्किंग कर दिया, ऊपर आपको मीटर में दिख रहा होगा भाई, यहाँ पर लिमिट जो है 30 पर सेट करी हुई है, तो भाई क्रूज भी आपका 30 के बाद एक्टिवेट हो जाएगा इसमें। बिल्कुल। बाकी इसमें आप देख सकते हो डुअल टोन में स्टीयरिंग बनाया हुआ है, स्टीयरिंग की सीट कवर भी देख सकते हो भाई, सीट कवर कुछ ऐसा सीट कवर की फिटिंग एंड फिनिशिंग आपके सामने है, आगे से लेके पीछे तक दिखा सकते हैं ऑडियंस को, एक भी रिंकल सीट कवर में नहीं मिलेगा आपको भाई। पीछे के भी सीट कवर आप यहाँ से देखना, अभी समय लो ये पूरा आप देख रहे हैं, इसका इवन आर्मरेस्ट भी देख लो भाई, आर्मरेस्ट देखो भाई कितना बढ़िया तरीके से जो है फिट करा हुआ भाई, बढ़िया। तो ये सारे सीट कवर वगैरह भी रेंज रहती है अपने पास। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये स्टीरियो कौन सा है, थोड़ा अलग ही लग रहा है मेरे को। ये डायमंड 2 के रहने वाला, 4 GB रैम, 64 इंटरनल, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले, ऑप्टा कोर है, कोर कोड नहीं है इसके अंदर भैया, बहुत सारे ऑप्शन चाइनीज भी आते हैं, लेकिन भैया को इतना चीज बढ़िया लगा तो ये चीज क्यों हमें चाइनीज लगा है? तो भाई ये देखो, ये भी चीज हमने बढ़िया लगा के दी भैया। 360 कैमरा भी लगा इसमें, 360 कैमरा भी लगाया जो अपना रहना है, फुल HD करके देखो भाई। तो अभी ये तो पूरी रोबोट बन चुकी है कह रहे हैं यार, इसमें सब जितने टेक्निकल फीचर्स आ सकते थे सब कुछ आ गया इसमें। ये देख लो, ये बैक कैमरा आपको दिख रहा है अभी समय पर, साइड का व्यू ठीक है, दोनों साइड अपना रहना है ओके प्रॉपर, एक भी नहीं बोल सकता इसके अंदर कोई आफ्टर मार्केट काम हुआ है। 3D व्यू, ये लो भाई 3D व्यू आपको देखने को मिल रहा है, इतना बढ़िया। बस बहुत जल्दी भैया ऑटोमेटिक कर ही लेंगे तो भाई वो चीज का वेट रहेगा भाई, देखो ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया यार, इंडिया में ऐसी चीज आ जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। बाकी बहुत ही बढ़िया यार, गाड़ी तो मस्त लग रही है इसका, एंबियंस लाइट भी इंस्टॉल किया इसके अंदर, ऐसा काम कहीं नहीं छोड़ा है, जो काम बचाओ ठीक है सारा ठीक है। काम इसके अंदर एवरीथिंग सब कुछ हुआ इसके अंदर, मोरल का कंपोनेंट लगाया, डैम्पिंग हुआ, एम्पलीफायर लगाया, वूफर लगाया, सब कुछ एवरीथिंग। तो वूफर आपको दिखाया था, कई बंदे कहते हैं कि इसकी डिग्गी छोटी है वूफर कहाँ आएगा इसमें, तो वूफर की फिटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ऐसा कुछ आप एडजस्ट करा सकते हो वूफर को, और स्टिल स्पेस बच रहा है गाड़ी में, इसको रिक्लाइन करना चाहो तो रिक्लाइन भी आप लोग कर सकते हो सीट्स को। बाकी आपको इतना कुछ काम जो दिखाया कैसा लगा आप भी कमेंट बता सकते हो, आप एक बार कस्टमर रिव्यू से जानती है कि कैसी है गाड़ी में, काम की क्वालिटी क्या पैसे पसंद आती है, और पैसे जो लगाए हैं इतने सारे वो वसूल है या नहीं। ये फाइनल टाइम है जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, इतना काम दिखा दिया आप लोगों को, एक बार जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ से काम कराने के बाद। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम एक्साइटेड। योर गुड नेम? आई एम शैलेश, फ्रॉम गुड़गांव। गुड़गांव, तो आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? आप यहाँ तक, देखिए आप ही लोगों की मदद से पहुँचा हूँ, जो आप इतने बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालते हो जी। तो जब मैंने कार प्लान की थी अपनी, किया प्लान की थी, तो लगभग 2-2.5 महीने का वेटिंग था। ओके। और मैंने शुरुआत से ही डिसाइड किया था कि मुझे ढंग का काम कराना है, मतलब गाड़ी जो मैं ले रहा हूँ वो एक सपना देखा था कि उसको ऐसी बना दूंगा कि इसमें एक घर का चौथा कमरा बना दूंगा मैं गाड़ी को। क्या बात। तो ये प्लान करके ही मैं आप लोगों की ही तरह जो वीडियोस बनाते हो आप डालते हो, उससे सीख करके, फिर संजीत भाई के वीडियोस देख करके, उनसे सारी चीज़ें समझ करके प्लान किया था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। और ऐसा करके फिर बहुत सारे लोग देखे मैंने, संजीत भाई जैसे, और बहुत भी इनके कंपटीटर्स को एनालाइज किया मैंने, बिकॉज हमारा काम ही यही है बेसिकली कि ना, कि हम सप्लायर को एनालाइज करते हैं, तो सबको करने के बाद मुझे जो पर्सनली अच्छा लगा, संजीत भाई का, अमन भाई का सबसे बेहतरीन लगा मुझे, इन टर्म्स ऑफ उनका काम भी, इन टर्म्स ऑफ उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस है इन द मार्केट, और कंप्लीट काम, और आज तक जितनी किया कारेंस करी है, इन्होंने जितनी किया कारेंस की है और अलग अलग टाइप की है, उतना वेरिएशन किसने नहीं किया था। काम तो बहुत सारे लोग करते, ठीक ठाक काम करने वाले भी लोग, ऐसी बात नहीं है, मुंबई में वगैरह है, बट मेरे लिए क्लोजेस्ट ये थे और उनसे टक्कर का काम ये करते थे। अब इस गाड़ी के साथ हम दिखा सकते हैं कि दिल्ली में किस लेवल का काम हो सकता है, तो हो सकता है बंबई वाले भी लोग यहाँ पे आना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, आते भी हैं भाई के पास, काफ़ी महाराष्ट्र नंबर गाड़ियाँ काफ़ी आती रहती हैं। बाकी और अगर बात कर लेते हैं भैया आपसे, आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग रहेगी आउट सेटिस्फेक्शन को? काम देखो, सेटिस्फेक्शन को रेटिंग देने वाला तो एक काम ही नहीं है ना, मतलब नंबर देने वाले काम करने तो बात ही नहीं है, तो नंबर से बहुत ऊपर चीज है ये, है ना, तो ये अब दिल से जुड़ गए, ये मतलब नंबर वंबर लेना होता है, ये काम ऐसा भी आने करवा है, 100% बोल ही नहीं सकते, नंबर से कहीं ऊपर है सर। सो अभी तक आप गाड़ी लेकर गए हैं अपने घर पर? हाँ हाँ जी। तो इस गाड़ी को देखकर क्या रिएक्शन रहते हैं लोगों के? लोग पागल हो जाते हैं, मेरे पास 300 लोगों का स्टाफ है लगभग, और आज 3 दिन हो गए हैं, अभी भी सारे लोगों का गाड़ी देखना पूरा नहीं हुआ है, लंच टाइम हो, इवनिंग हो, आकर के लोग मेरे पास से चाबी ले जाते हैं, शैलेश सर की गाड़ी, शैलेश सर की गाड़ी, शैलेश सर की गाड़ी, अभी आधे लोगों ने देखी है, और आधे लोगों में अभी भी ये एक्साइटमेंट है कि वो गाड़ी देखनी है जी।
तो so, इस तरह का माहौल है। ये एक ड्रीम कम ट्रू होगा कि एक गाड़ी ऐसी बनाई है जो पूरे इंडिया में वो बियॉन्ड ड्रीम। हाँ बियॉन्ड रीच। हाँ ठीक है, तो ऐसे काम में अगर बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर जो होता है वारंटी वॉइड का, सो उसमें कैसे ट्रस्ट बिल्ट अप होता है एक कस्टमर का? देखो दो चीज़ें हैं, मैं खुद भी इस तरह के काम करता हूँ, मुझे पता है वारंटी वॉइड क्या चीज़ें होती है, बट व्हेन यू डू थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर है ना, आप सिस्टमेटिकली किसी चीज़ों को करते हो तो वारंटी वॉइड का खतरा एज सच होता नहीं है। और देखो जब आपको कोई बड़ा काम करना है ना तो ये वारंटी वारंटी बड़ी छोटी चीज़ें हैं, तो इनको देख करके आप फिर अपने सपने नहीं जी सकते। बिल्कुल बिल्कुल, सपने जीने हैं तो कुछ वायर काटे नहीं है, बट ये इनका काम जो है, मैं बोला ना कि कहीं भी जाएगा तो कोई वायर कटिंग नहीं है, कंपनी से चेक करा सकता है, 100% पूरी गाड़ी की गारंटी मिली है। सो भाई इतना काम करने के बाद भी ये गारंटी अगर भाई लेते हैं कि वायर कटिंग नहीं हुई गाड़ी में, तो भाई बहुत ही हैट्स ऑफ है भाई को इस काम के लिए। और अगर बात करते हैं भैया, आप अगर रिकमेंडेशन देना चाहें किसी को तो क्या रिकमेंडेशन देंगे न्यू स्पेस की? 100% मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, न्यू स्पेस मेरे लिए सप्लायर नहीं है, दे आर माय फैमिली नाउ है ना, अब ये परिवार बन चुका है, ये सारे बच्चे जो इन्होंने काम किया हुआ है, एक से एक जो लड़के हैं जिन्होंने इसमें जान डाली है, तो अब ये मैं फील करूंगा जब भी मैं गाड़ी में चल रहा हूँ कि नहीं यार सुनील ने काम किया था, अमन ने हाथ लगाया था, नवीन ने कहा, तो ये मेरे लिए परिवार हो गया, मेरे लिए ये सप्लायर नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। सो भाई इतनी ही लाइंस जो है काफ़ी कुछ कह जाती है अपने आप में, और आगे जो है मेरे को लगता नहीं कि और कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत है, बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इतनी कुछ थी अपनी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी बहुत जल्दी। और न्यूज़ स्पेस से पहुँचने के लिए एक बार एड्रेस समझा दो भाई, कैसे आएँ आपके पास? न्यूज़ स्पेस कीर्ति नगर A70 अपना रहने वाला है, ठीक है, लोकेशन मंगा सकते हो और डायरेक्टली आ सकते हो। ठीक है जी, तो भाई करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।